तो दोस्तों फाइनली गूगल ने एंड्रॉयड 10 का जो मतलब रिलीज वो कर दिया है। मतलब अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ, पर इसका जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन वो निकल कर आता है कि इसका जो ऑफिशियल नाम है दोस्तों वो एंड्रॉयड Q नाम से आने वाला है। और मतलब अभी जो चल रहा है वो एंड्रॉयड पाई, और दोस्तों इसका जो मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है दोस्तों एंड्रॉयड Q। मतलब गूगल ने फाइनली इसका नाम घोषित कर दिया दोस्तों वो एंड्रॉयड Q नाम से। तो दोस्तों आज का वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको बोलने वाले हैं आपको क्या क्या इस फीचर्स मतलब इस एंड्रॉयड Q का फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साथ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं इंट्रो के बाद। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे आपसे दोस्तों वो है इसका जो फर्स्ट फीचर्स का बात करें तो दोस्तों वो है इसके साथ आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, इसका इनबिल्ट आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, जो आपको शायद पता ही है कि डार्क मोड आपका फोन के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका फोन का जो बैटरी है वो उसका मतलब लाइफ बढ़ा सकते हैं। मतलब जो शायद मतलब डार्क मोड इतना मतलब फोन के लिए बहुत अच्छा होता है, और यही और इसका जो मतलब डार्क मोड यूज करने से आपका फोन का बैटरी लाइफ बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस मतलब इस जो एंड्रॉयड Q है, इस एंड्रॉयड Q का आपको फीचर्स डार्क मोड पहले जो फीचर्स है दोस्तों वो है डार्क मोड का फीचर्स, जो आपको इस एंड्रॉयड Q का अपडेट मतलब फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 2 जो पॉइंट है दोस्तों वो है एप्स का। मतलब बहुत सारे एप्स होता है जो 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 एप्स आपको मतलब आपका फोन का लोकेशन एक्सेस कर मतलब करना चाहते हैं, और तब आप अलाउ कर देते हैं आपका फोन का लोकेशन, क्योंकि वो एप्स विदाउट लोकेशन चल नहीं सकते। बहुत सारे एप्स है, बट बहुत सारे एप्स है जो लोकेशन चाहते हैं पर आप मतलब डिनाई कर सकते मतलब डिनाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि फिर भी वो एप्स चल सकते हैं। पर दोस्तों ये जो एंड्रॉयड Q निकलने वाला है दोस्तों, इसके साथ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो मैं स्क्रीन में दे दिया हूँ, आप लोग उधर से देख सकते हैं क्या क्या आपको ऑप्शन ये एंड्रॉयड Q के साथ देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो 2 नंबर पॉइंट है परमिशन लोकेशन परमिशन के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों नंबर 3 जो पॉइंट का बात करें तो दोस्तों वो है दोस्तों ये जो एंड्रॉयड Q है दोस्तों, इसके साथ आपको फर्स्ट शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो प्रीवियस जो अपडेट दिया था मतलब एंड्रॉयड P में दोस्तों, उस पे था एंड्रॉयड बीम नाम का, पर दोस्तों उसमें मतलब फर्स्ट जो शेयर का ऑप्शन वो एंड्रॉयड बीम था, उसको देने के बाद कुछ दिन बाद वो जो एंड्रॉयड बीम का जो शेयर का ऑप्शन था वो दोस्तों निकल दिया गया था। पर दोस्तों ये जो एंड्रॉयड Q है, इसके साथ आपको फर्स्ट शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा है, काफी अच्छा बात है, मतलब शेयर का ऑप्शन आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। देखना होगा कि क्या क्या फीचर्स और देखने को मिल जाएगा इस एंड्रॉयड Q के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो दोस्तों, यानी कि 4 पॉइंट मतलब 4 नंबर पॉइंट दोस्तों वो है दोस्तों, ये जो एंड्रॉयड Q का फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, उस पे दोस्तों जो बैटरी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैटरी का इंडिकेटर, वो दोस्तों मतलब एंड्रॉयड 9 में सिर्फ बैटरी का इंडिकेटर दिखाता था, पर दोस्तों ये जो एंड्रॉयड Q है दोस्तों, ये आपको दिखाएगा कि बैटरी आपका कितना तक चलेगा। मतलब जैसे कि एक उदाहरण दे सकते हैं, मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ वो दोस्तों, जैसे कि आपका शायद मैं पकड़ लिया कि आपका बैटरी मतलब 11 तक चलेगा, रात को 11 तक चलेगा, पर दोस्तों ये जो एंड्रॉयड Q है वो आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली मतलब 11 बजे तक आपका जो बैटरी है वो चलेगा। मतलब अच्छा खासा दिया है आपको मतलब बैटरी का इन्फॉर्मेशन, इंडिकेटर आपको पहले दे दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर 5 का पॉइंट का बात करें तो दोस्तों, मतलब 5 नंबर फीचर्स का बात करें तो दोस्तों, इसके साथ मतलब एंड्रॉयड Q जो आपको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों वो है कलर थीम। मतलब ये जो एंड्रॉयड Q है दोस्तों, वो सिर्फ UI का मतलब UI के तरफ आपको ध्यान नहीं दिया, मतलब आप मतलब UI के तरफ इसका ध्यान सिर्फ नहीं था दोस्तों, इसका जो मतलब डिजाइन था वो भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग कर देगा। जैसे कि इसका जो थीम है दोस्तों वो कलर मतलब कलर वाइज थीम आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अलग अलग थीम में अलग अलग आपको कलर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो एंड्रॉयड थीम है वो सिर्फ बीटा वर्जन के लिए, फर्स्ट आपको बीटा वर्जन में देखने को मिल जाएगा, बाद में वो मतलब स्टेबल वर्जन में आ जाएगा, पर दोस्तों ये फर्स्ट आपको बीटा वर्जन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो दोस्तों, ये जो मतलब आप प्रीवियस जो एंड्रॉयड का जो वर्जन था,
पी तक, उस पे जब आप दोस्तों जो थर्ड पार्टी एप्स का कोई भी कैमरा एप्स का जो फीचर्स होता था उस पे, मतलब बहुत सारे, मतलब जब आप फोटो खींचते थे तो बहुत सारे फोटो इतना अच्छा नहीं होता था। पर दोस्तों एंड्रॉइड क्यू का जो अपडेट आपको मिलने वाला है दोस्तों, उस पे थर्ड पार्टी जो कैमरा का एप्स है उसमें आपको अच्छा खासा से फोटो का जो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा बात है, मतलब आप थर्ड पार्टी ऐप से भी अच्छा खासा से फोटो खींच सकते। तो देखना पड़ेगा कि कैसा होता है, वो तो निकलने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम वेट ही कर सकते और देख सकते कि कब निकलने वाला है ये एंड्रॉइड क्यू। दोस्तों नेक्स्ट, मतलब अगले पॉइंट का बात करें तो दोस्तों जो है, मतलब एंड्रॉइड क्यू के साथ आपको जो मिलने वाला है दोस्तों, वो जो जब आप कोई भी ऑडियो या कोई भी वीडियो आप शूट करेंगे दोस्तों, अलग अलग फॉर्मेट में आपको वीडियो शूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये एंड्रॉइड क्यू के साथ, जो काफी अच्छा बात है। पर ऑडियो भी आपको अलग अलग फॉर्मेट में शूट करने को देखने को मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि कैसा टाइप का होने वाला है ये एंड्रॉइड क्यू, और आपको कैसा टाइप का वीडियो, मतलब अलग अलग फॉर्मेट, मतलब कौन सा फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है दोस्तों, सिर्फ ये जो पॉइंट मतलब वो लोग बात किया है, पर डिटेल्स इतना अच्छे से नहीं दिया। यही था, मतलब यही हमको प्रोवाइड किया है कि ये जो एंड्रॉइड क्यू है उस पे आपको अलग अलग मतलब वीडियो का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन का बात करें तो, मतलब फीचर्स का बात करें तो ये एंड्रॉइड क्यू का वो दोस्तों है, मतलब ये जो एंड्रॉइड क्यू है ये जब आप फोन में, मतलब ये तो सिर्फ फोन के लिए है, पर दोस्तों ये जो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा इस एंड्रॉइड क्यू के साथ, वो दोस्तों आप मतलब जो फोन में आप कोई भी चलाएंगे तो वो डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं। मतलब फोन का पूरा स्क्रीन आपको डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएगा, डेस्कटॉप या कोई भी बड़ा स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब काफी अच्छा खासा से एंड्रॉइड क्यू को डिजाइन किया है इसके इंजीनियर ने। तो दोस्तों मतलब अभी तो वेट करने ही होगा हम लोग को कि कब एंड्रॉइड क्यू देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन इधर से मिला है, वो क्या है कि ये जो एंड्रॉइड क्यू है दोस्तों, जो आज रिसेंटली जो फोन निकलने वाला है, फोल्डेबल जो फोन निकल रहा है दोस्तों, उसके साथ आपको एंड्रॉइड क्यू देखने को मिल जाएगा। मतलब काफी अच्छा बात है, पर हम लोग के लिए तो फोल्डेबल फोन मतलब काफी एक्सपेंसिव है, हम लोग के लिए खरीदना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये सब मतलब बजट फोन में कब आने वाला है ये एंड्रॉइड क्यू, और सिर्फ हम लोग का अभी काम है वेट करना। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो पर। और ये एंड्रॉइड क्यू का कौन सा फीचर्स आपको अच्छा लगा वो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो का नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है वो आप पीला कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों और एक बात दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है इधर, आप फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।